पर शुद्ध चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक इन 10 दिनों में गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर भक्त अपने मनवांछित वर की प्राप्ति करते हैं। इस साल भी आगामी 19 सितंबर से 29 तारीख तक गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाने वाला है, जिसके चलते नागपुर का प्रसिद्ध गणपति मार्केट चितारोणी में गणपति मूर्तियों की सजावट के साथ सुंदर मूर्तियाँ तैयार हो चुकी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दर्शकों, भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी यानी गणपति बाप्पा का आगमन और गणेश जी का आगमन होने जा रहा है 19 सितंबर को। आगामी 19 सितंबर को गणेश उत्सव को प्रारंभ हो जाएगा और इस वक्त हम मौजूद है चितारोणी में, जहाँ के गणपति काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ के आप देख पा रहे हैं बड़े विभिन्न प्रकार के सोंड वाले बाबा गणपति। कोई चूहे पर बैठा है, कोई नील वर्ण है, तो कोई गौर वर्ण है। काफ़ी रंगारंग तरीके से विभिन्न प्रकार से इन मूर्तियों को सजाया गया है और आगामी 19 तारीख से जो गणेश उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है उसी की तैयारी यहाँ पूरी तरह से मूर्तियाँ सुसज्जित करते हुए आप देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ सुसज्जित है, सिंदूर वर्ण, गौर वर्ण, नील वर्ण, सभी प्रकार की मूर्तियाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं। दर्शकों, नागपुर से चितारोली संभाग मूर्ति निर्माण की दृष्टि से काफी मशहूर माना जाता है, जहां बड़े बड़े आकार की मूर्तियां शोभायमान रूप से बनाई जाती हैं। हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव के मद्देनजर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, तो कई मूर्तियां रंगाई एवं सजाई जा रही है, जहाँ नटकर कान्हा की प्रतिकृति से लेकर गौन वर्ण और श्याम वर्ण, सिंदूर वर्ण आदि सभी प्रकार की मूर्तियां बनाई गई है, जहां मूर्तियों से लेकर पूजा पाठ की चीजें खरीदने के उद्देश्य से काफी मात्रा में भीड़ दिखाई दी है, जिससे कि गणेशोत्सव की धूम का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस समय दुकानदार और ग्राहकों ने बात करते हुए मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्ति का विशेष महत्व विदित किया। दर्शकों, साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुकानदार, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये तैयारियां हुई है और किस प्रकार से कितनी मूर्तियां अभी तक खपत हुई है, कितनी मूर्तियां खपी है अभी तक और कितनी मूर्तियों की बिक्री हुई। अभी तक हमारे इधर 50 मूर्ति के आसपास बिक्री हो चुकी है और अभी चालू है, बुकिंग करना शुरू है लोगों का। कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? हमारा तो पुराना है काफ़ी, पर हम यहाँ पे 3 साल से दुकान लगा रहे हैं। और इस साल क्या नई थीम लाए हैं आपने, ताकि आप ग्राहकों को लुभा सके, साथ ही साथ गणपति बापा की जो है सेवा कर सके? इस बार हमने प्योर होममेड है हमारी सब मूर्तियाँ और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, सादी सिंपल और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हमने रखी है इस बार। और जो पूरी मूर्तियाँ जो आप दिखा रहे हैं, ये पूरी मिट्टी से बनी हुई है, कुछ POP की? नहीं नहीं, प्योर मिट्टी की बनाते हैं हम, बिल्कुल भी POP का इस्तेमाल नहीं करते। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद है। आप गणपति बापा की मूर्ति लेने आए? हाँ भैया। कितने सालों से आप यहीं से मूर्तियाँ लेते हो, कहाँ से खरीदते हो? 6 सालों से यहीं पे, प्योर मिट्टी की भी है, यहाँ पे गारंटी रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे, आजकल बहुत POP की मूर्तियाँ लोग मतलब सज्जा के रूप में अपने घर में बिठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है, मिट्टी की मूर्ति अच्छा है बैठाना, क्योंकि क्या गणपति की वैल्यू रहती है मिट्टी की, POP का कॉस्टली कम रहती है, फिनिशिंग भी रहती है, बट उतना अच्छा नहीं रहता POP की, इसलिए मिट्टी की बैठक अच्छी है मूर्ति। कितने साल से गणपति रख रही हैं आंटी आप? हमारे घर में तो अभी 40 साल ज़्यादा हो गए। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मूर्तियाँ खरीदती हैं? यही से लेके जाते हैं। एक अदंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदया। जो गजानन है, जो गणपति है, सुंड वाले बाबा श्री गणेश का आगमन आगामी 19 तारीख को होने जा रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा चितारोली के गणपति काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है और यहाँ जो दुकानदार से हमने बात की, जहाँ उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि मिट्टी के जो मूर्तियाँ है जो प्रकृति को उतनी घातक नहीं है और प्रकृति, हम बोल सकते इको फ्रेंडली गणपति का उपयोग किया जाए, ऐसे ग्राहकों ने भी हमें बताया और साथ ही साथ ये संदेश दुकानदार ने भी इस वक्त दिया है। तो आप सभी से गुजारिश है इनविजन न्यूज़ परिवार की ओर से कि सभी इको फ्रेंडली गणपतियों का पूजन करें, साथ ही साथ 10 दिन गणेश उत्सव बड़ी खुशी से मनाएं, साथ ही साथ इनविजन परिवार की ओर से सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, इनबीसी न्यूज़ के लिए नागपुर।